दिनांक 30 दिसंबर 2023 को जमशेदपुर जिला के चांदल आईटीआई कॉलेज के मैदान में 3 दिवसीय 31वें सब जूनियर और 43 सीनियर थ्रोबॉल नेशनल चैंपियनशिप का समापन हुआ। इस खेल कार्यक्रम में सीनियर लड़कियों में विजेता रही तमिलनाडु की टीम ने छत्तीसगढ़ की टीम को 2 राउंड के मुकाबले में 21-25 से और 24-25 से हराया। विजेता रही खिलाड़ियों को महिला अधिकारी और थ्रो बॉल एसोसिएशन सरायकेला के अधिकारियों के द्वारा दिया ट्रॉफी और मेडल प्रदान किया गया। बताना जरूरी है कि तमिलनाडु की टीम ने केपीआर मिल्स ग्रुप की लड़कियों ने टीम का प्रतिनिधित्व करती हुई जीत दर्ज की। उसी कड़ी का एक भाग है जिसमें 3 वर्ष पहले कार के तहत झारखंड सरकार की श्रम मंत्री को केपीआर मिल्स ने वादा किया था कि काम के साथ साथ खेल और पढ़ाई में भी झारखंड की बेटियों को बढ़ाने का पूरा मौका और मदद किया जाएगा। लगभग 3 वर्ष पहले कोयम्बटूर की कंपनी केपीआर मिल्स के साथ झारखंड सरकार के श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने यहां के स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने के लिए एमओयू करार किया। इस करार के तहत यहां से 12,000 बेरोजगारों को केपीआर मिल्स में नौकरी देने की बात कही गई। इस नौकरी देने से पहले 3 महीने का प्रशिक्षण देने की बात भी बताई गई, जिस प्रशिक्षण के दौरान उन्हें रहने खाने और मेडिकल की सुविधा भी दी जाएगी और यह सारी सुविधाएं उनकी नियुक्ति के बाद भी जारी रहेगी। केपीआर मिल्स के बारे में कहा जाता है कि यह अपने संस्थान के कर्मियों की सुविधा और सुरक्षा लिए सबसे ज्यादा तत्पर रहती है। किसी भी स्टाफ को कोई असुविधा न हो, इसके लिए एचआर सेल लोग विशेष रूप से सक्रिय रहते हैं। कोई भी परेशानी पर उसके तत्काल समाधान और समस्या के निवारण के लिए पूरी तत्परता से कार्य किया जाता है। बाद उसे घर भेजने की हो तो बिना गार्जियन घर नहीं भेजा जाता। आवश्यकता पड़ने पर कर्मी के घर के लोगों से बात करके ही उसे कुछ काम से आवासीय परिसर से बाहर आने जाने की इजाज़त दी जाती है। बिल्कुल घर जैसा माहौल दिलाने की कोशिश कंपनी के परिसर में है।